हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीटीज। आज की वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट ऑल कोर्सेज स्टूडेंट्स कैन परसू आफ्टर 12th पीसीबी। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट्स एमबीबीएस के अलावा क्या कोर्सेज कर सकते हैं, वो सारे बेस्ट कोर्सेज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। एक चीज जो मुझे बहुत गलत लगती है वो ये कि जब हम क्लास 12th में पहुंच जाते हैं और नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मुझे मेरे टाइम पर ऐसा फील हुआ था कि किसी टीचर ने ये हमें कभी गाइड नहीं किया कि मेडिकल फील्ड के अलावा भी और फील्ड्स हो सकते हैं जहां पर बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात करो तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक बैकअप प्लान नहीं सजेस्ट करता है। हर किसी का टारगेट हमेशा रहता है कि एमबीबीएस क्रैक करना है। मेरा ये मानना है कि क्लास 12th में बायोलॉजी लेने वाले हर स्टूडेंट ने बायो सब्जेक्ट सिर्फ इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। कुछ बच्चों ने बायो सब्जेक्ट इसलिए भी लिया है क्योंकि उसे बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि उसकी इन डेप्थ नॉलेज उसे हो, उसे रिसर्च फील्ड में जाना है। या फिर ज्यादा बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, उन्हें मैथ से डर लगता है। लेकिन 12th के बाद उन्हें मेडिकल नहीं करना है तो अब वो क्या करें, और जो कोर्स वो करें उसमें स्कोप है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो कोर्स करने के बाद वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या जॉब करें। तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ खूब सारे कोर्सेज एक्सेप्ट एमबीबीएस मेडिकल साइंसेज के अलावा क्या कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आप चाहें तो एमबीबीएस करते हुए इन ऑप्शंस को एज अ बैकअप प्लान भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एमबीबीएस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो इनमें से कोई भी एक कोर्स चूज करिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बारे में इंटरनेट पे जितना सर्च कर सकते हैं करिए, बेस्ट कॉलेजेस फाइंड करिए और जो कोर्स आपको आपके लिए सूटेबल लगता है उसको परस्यू करिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। सबसे पहला सबसे सिंपल ऑप्शन आता है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। अब देखिए बीएससी में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहली चीज होती है आपकी प्लेन बीएससी, जैसे कि हम बीएससी लाइफ साइंस या फिर बीएससी जेडडीसी या सीबीजेडडी कहते हैं, जिसमें कि आप केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका प्लेन बीएससी, जैसे कि बीएससी लाइफ साइंस या फिर बीएससी जेडडीसी भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका बीएससी ऑनर्स। किसी भी डिग्री के आगे अगर ऑनर्स लग जाता है उसका मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करा रहा है। तो बीएससी ऑनर्स के लिए आपके पास ऑप्शन आते हैं बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री। तो 12th पीसीबी करने के बाद या तो आप बीएससी कर सकते हैं या फिर आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लोग बीएससी ऑनर्स करिए, लेकिन अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर आपको रिसर्च में बिल्कुल भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, टीचिंग आपको सूटेबल लगती है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्लेन बीएससी, जिसे कि हम बीएससी सीबीजेड या जेडबीसी कहते हैं, वो करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप इसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को इक्वली पढ़ते हैं। हर सेमेस्टर में तीनों सब्जेक्ट का कोई ना कोई ब्रांच आप जरूर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ज्यादा फोकस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही रहता है। अगर मैं बीएससी ऑनर्स जूलॉजी की बात करूं तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिर आपके एनिमल्स की लाइफ साइकिल, डिफरेंट पैथोजेंस की लाइफ साइकिल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बीएससी ऑनर्स बॉटनी के बारे में बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इस पर ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन सिर्फ यही डिफरेंस आता है कि यहाँ पे एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं और बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हो जाते हैं। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या बॉटनी करते हुए आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस और हो सकता है कि मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाई जाए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जूलॉजी या बॉटनी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन बीएससी की। प्लेन बीएससी में आपने क्या पढ़ा है, प्लेन बीएससी में इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है तीनों सब्जेक्ट को, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। अब बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी ऑनर्स में एक और डिफरेंस आता है। अगर आप बीएससी लाइफ साइंस कर रहे हैं तो एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप एमएससी जूलॉजी से भी कर सकते हैं, बॉटनी से भी कर सकते हैं और केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनर्स की डिग्री ली हुई है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी किया है, तो आप सिर्फ एमएससी जूलॉजी ही कर सकते हैं, आप एमएससी बॉटनी नहीं कर सकते। बीएससी ऑनर्स बॉटनी करने वाला स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी जूलॉजी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एमएससी बॉटनी ही कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट यहां पर मिल जाता है अगर आप प्लेन बीएससी करते हैं, कि एमएससी में आपके पास तीनों ऑप्शंस ओपन है, आप एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी किसी से भी कर सकते हैं।
हैं, लेकिन ऑनर्स करते हुए जिस सब्जेक्ट से आपने बीएससी ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट से आपको एमएससी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बीएससी के बाद आपने एमएससी कर ली, आप चाहे तो टीचिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं, एमएससी के बाद आप बीएड की डिग्री ले लीजिए, आप चाहे तो बीएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं, या फिर बीएससी बीएड करके एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है 4 इयर्स का, जिसमें आप अगर अप्लाई करें तो उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो बीएससी के बाद अगर आपको टीचिंग करनी है तो बीएससी के बाद बीएड कर लीजिए, आप क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप बीएससी के बाद एमएससी करिए और एमएससी के बाद फिर बीएड करिए, इससे आप क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल बीएससी, प्लेन बीएससी में और क्या ऑप्शन आते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी से आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, इससे आप एनवायरमेंटलिस्ट या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, जिससे आप नर्सिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में एक और ऑप्शन आपके पास आता है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसको अगर आप चाहें, अगर आपको नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो इसके बारे में प्लीज डिटेल में जरूर पढ़िएगा। आप आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी के फील्ड में जा सकते हैं, आर्मी में आप नर्सिंग फील्ड में एंटर कर सकते हैं एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। फिर आपका बीएससी का एक और कोर्स आता है जिसे कहते हैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, इसका आजकल काफी स्कोप है, तो आप चाहें तो इस फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी भी आपके दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्लेन बीएससी जो कि आपकी 3 साल की होती है, और दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी जो कि आपका 4 साल का होता है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर होता है, मेरे हिसाब से जो आपका ऑनर्स ऑप्शन है ये बेटर हो जाता है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स 4 ईयर कोर्स अगर आप करें तो इसके बाद आप डायरेक्टली यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर जाते हैं तो उसके थ्रू आप रिसर्च फील्ड में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेजेस में भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स करते हैं तो पहले आपको एमएससी करनी पड़ेगी, मास्टर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे पाएंगे। साथ ही अगर आपको बहुत जल्दी जॉब लगने की इच्छा है तो आप चाहें तो बीएससी करने के बाद डायरेक्टली फूड इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं, चाहे आप प्लेन बीएससी करें या ऑनर्स करें, आप डायरेक्टली फूड इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बीएससी करने के बाद आपका एमएससी करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आप चाहे तो बीएससी या बीएससी ऑनर्स करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, एमबीए फूड इंडस्ट्री में आप एमबीए कर सकते हैं। दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एफएबीएम एंड एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज आपके ये दोनों कोर्सेज कराती हैं, तो आप चाहें तो इस कोर्स को भी परसू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बीएससी से रिलेटेड फील्ड, या तो प्लेन बीएससी कर लीजिए या फिर ये सारे आपके बीएससी के ऑप्शन हैं। बाकी मैंने आपको बीएससी ऑनर्स के भी ऑप्शन बताए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिग्री आती है जो है आपकी बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और जिन लोगों को पता है उन लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता चला है कि इसकी पढ़ाई करते हुए बच्चों को ऐसे लगता है कि हम एमबीबीएस की ही पढ़ाई कर रहे हैं। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आ जाता है कि एमबीबीएस में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप पैथोजेंस की स्टडी करते हैं, लेकिन पैथोजेंस का ह्यूमन लाइफ साइकिल में क्या रोल होता है, पैथोजेंस ह्यूमन लाइफ साइकिल को कैसे अफेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आपको जो प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे, वो प्रोफेसर्स वही होते हैं जो कि आपके एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 साल का एक कोर्स है प्लस 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप है। बीएससी करने के बाद आप 3 साल की एमएससी करेंगे। बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप करेंगे एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो कि आपका 3 साल का कोर्स है। इसके बाद आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे सकते हैं और वापस से रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप एमएससी करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर या फिर डेमोंस्ट्रेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। शायद आप में से बहुत कम लोगों को इस डिग्री के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। बीटेक सिर्फ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स ही नहीं कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी बीटेक कर सकते हैं, और इस डिग्री को कहते हैं बीटेक इन बायोटेक, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। 4 साल का आपका ये कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप गेट एग्जाम देते हुए, गेट का एग्जाम होता है जिसको क्रैक करने के बाद आप
गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमटेक का कोर्स कर सकते हैं, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। 2 साल का आपका ये प्रोग्राम होता है। इससे क्या होगा, इससे आप बायोटेक्नोलॉजी लैब में वर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। लास्ट आता है आपका बीएससी प्लस एलएलबी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिससे कि आप लॉ के फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 12th तक की साइंस जितनी पढ़ी उतनी आपके लिए काफी थी, अब आपको अपना फील्ड चेंज करना है, तो आप लॉ के फील्ड में कैसे जा सकते हैं, बीएससी प्लस एलएलबी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करके। तो ये था आपका बीएससी से रिलेटेड सारे कोर्सेस। अब हम जाते हैं पैरामेडिकल साइंसेस पे। पैरामेडिकल साइंस जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, उसमें सबसे पहला कोर्स आता है आपका बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं इस डिग्री के थ्रू। 4 इयर्स की डिग्री होती है प्लस आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। प्लीज जब भी आप किसी डिग्री के बारे में पढ़ें तो उसकी ड्यूरेशन, उसकी एनुअल फी क्या है, क्या स्कोप है, हर चीज को डिटेल में पढ़िएगा। कौन सी यूनिवर्सिटीज ये सारे कोर्सेज कराती हैं, और कोशिश करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप अपने कोर्सेज करें, ताकि आपके जॉब के चांसेस भी ज्यादा रहे, ठीक है। तो बीपीटी आपका 4 इयर्स का होता है और 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। फिर आता है आपका बीएमआरडी, बैचलर्स इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि जो आपके एक्सरे लेते हैं, जो एक्सरे वाला डिपार्टमेंट होता है, वहां आप जॉब कर सकते हैं बीएमआरडी इस डिग्री के थ्रू। 3 साल का ये कोर्स होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बी फार्म और डी फार्म। डी फार्म क्या होता है, डी फार्म इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का कोर्स होता है, या फिर आप बी फार्म कर सकते हैं, 4 ईयर का कोर्स होता है। अब देखिए कंपैरिजन की बात करें तो डी फार्म आपका 2 साल में ही खत्म हो रहा है, लेकिन बी फार्म आपका 4 साल में खत्म हो रहा है, यानी कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और आपकी जो जॉब लगेगी उसके सैलरी पैकेज के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बी फार्म आपका 4 साल का होता है, इसके बाद आप एम फार्मा कर लीजिए, या फिर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, आप एमबीए भी कर सकते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। तो बी फार्म या फिर डी फार्म। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको बीएससी नहीं करनी है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में नहीं जाना है, पैरामेडिकल साइंसेज में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपको आर्ट्स या फिर कॉमर्स फील्ड में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप पीसीबी से 12th पास करने के बावजूद भी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। अभी तक शायद बच्चों को ये लग रहा होगा कि बीबीए बीसीए ये सब सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी क्लास 12th में पीसीबी थी, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट थे, उसके बावजूद भी आप कॉमर्स फील्ड का कोई भी डिग्री ले सकते हैं, या फिर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि वो बैचलर्स ऑफ आर्ट बीए करें। इससे क्या होगा, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स के भी टच में रहेंगे, जो कि आपका यूपीएससी और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो बीए इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे जो कि मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड में जाने के अलावा, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, ये सब करने के अलावा और क्या ऑप्शंस थे, ये सारे बेस्ट ऑप्शंस थे जो कि मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको किसी भी डिग्री में अगर इंटरेस्ट है तो उसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में इन सारे कोर्सेज को कराती हैं, तो उन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जिस भी डिग्री को चूज करें, जिस भी फील्ड में एंटर करें, आई होप आप अपना बेस्ट दें और लाइफ में खूब सक्सेस हासिल करें। थैंक यू।